यहाँ के दर्शन कंप्लीट हो गए, अब हम लोग जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। और एक गांव में बैन से लेकर बाथरूम को दरवाजा नहीं है। जाने जब इस दिल ना काम सच होगी मेरे महबूब। सो अभी हम लोग शनि शिंगणापुर पहुंच चुके हैं। ये इस जगह को शनि देव शनि भगवान का घर कहा जाता है, देवस्थल कहा जाता है। और मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे शनि देव साक्षात प्रकट रहते हैं। ये शनि शिंगणापुर शनि देव भगवान का है ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने मतलब एक स्टोरी भी सुनी थी कि जैसे कि यहाँ पे लोग अपने घरों में दरवाज़ा नहीं लगाते, क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह पे शनि शिंगणापुर पे शनि भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इसलिए यहाँ पे चोरी वगैरह कुछ नहीं होता है, ना कोई अपराध होता है मतलब इस। और मोस्टली लोग घर में अपने दरवाजे नहीं लगाते क्योंकि कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई अगर चोरी वगैरह करे किसी घर में से या फिर किसी भी जगह से, तो मतलब वो उसके साथ मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कि मतलब आंखों की रोशनी चली जाना या फिर मतलब कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होना, इसलिए यहाँ पे चोरी वगैरह भी नहीं होती। सो अभी हम लोग भी फाइनली त्र्यंबकेश्वर दर्शन तो हो गए हमारे, बहुत अच्छे से दर्शन हुए बाबा भोलेनाथ के। हम लोग यहाँ पे आए हैं शनिदेव की नगरी में, शनि शिंगणापुर। सो अभी चलते हैं, हाथ मुँह धो के फ्रेश हो के शनिदेव के दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे घर। मंदिर में पंडित पुजारी कोई नहीं होता, खुद के हाथों से पूजा चला दे, बाप हो भाई हो बेटा हो मामा हो भांजा हो, अपने हाथों से पूजा होता। शनि का पूजा राशि के ऊपर होता है, गोत्र के ऊपर नहीं होता, क्योंकि 7:30 में शनि भगवान ने खुद के माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। तो कैसे करना, 2 मिनट सुनो, हाथ जोड़ो सब लोग, चप्पल निकाल, बोलो निलांजना समावासम रविपुत्रम यमागृजम छायामातन संभूतम तम नमामि शनीश्वर शनीश्वर। मेन मूर्ति भगवान का किसी ने बना हुआ मूर्ति नहीं है, बहते पानी में आसिला और मामा भंजे के हाथों से स्थापन किया। मंदिर के अंदर जाएंगे त्रिशूल आएगा, काला कपड़ा पत्ती की माला, नाम राशि बोलकर त्रिशूल पे चढ़ा देना। क्या बोल के चढ़ाना? नाम राशि। अगरबत्ती होम कुंड में जला देना, नीचे नारियल है। आपका पहला बार है दूसरा बार? दूसरा बार पहला बार नहीं यार, मेरा दो तीन बार तुम्हारा दूसरा बार है। तो नारियल तोड़ो मत, फोड़ो मत, बॉडी को टच करके छोड़ दो, लेके मत। फूल तेल तेल कुंड में चढ़ा देना। शनि भगवान को सोना पैसा दान नहीं होता, लोहा दान होता। जो जन्म देते ना माता पिताजी, उनके नाम से चरणों में छोड़ देना। ये 90 रुपीज का तीन होता है, 90 रुपए। 7 चीज ये घर में 30 का एक रहता, घोड़े की नंगी अंगूठी, 1000 दुकानें कुछ के देने का पैसे। वैसे 7 चीज घर लेके जाना, चरणों में छुआ के लाना। और आपको राशि मालूम है खुद का, जिनका राशि मीन कुंभ मकर वृश्चिक यानि कर्क, 5 राशि के लोग ये सामान घर पे लेके जाते नहीं है, माथे को 3 बार छुआ कर चरणों में छोड़ दे। 5 राशि में पनौती चालू है 7:30, ये दान देने से 7:30 पनौती उतर जाता है। और 5 राशि जिनका नहीं है तो चरणों में छुआ के घर लेके जाओ। घर गाड़ी दुकान को उल्टा लगाना, किसी का बुरी नजर झाड़ू तो न चलता नहीं। हाथ में बांधो, 21 दिन बाद में पानी में छोड़ देना। पर्स पॉकेट में रख देना, कौन से काम के लिए कि साथ लेके जाओ काम सफल होता है। पूजा मंदिर में रख देना, सभी लोग किसका पूजा करता है, या अपने तिजोरी में रख देना। पैसे पान को भरके ताता लक्ष्मी शांत रहती है। और ये गांव में बैंक से लेकर बाथरूम को दरवाजा नहीं है, ओपन है, चोरी करता गांव के बाहर नहीं जाता। मेन दरवाजे पर ही वो आकर में लगा, घर में चोरी होता नहीं, शनि का दोष घर में नहीं आता। दर्शन पूरा होने के बाद शनि भगवान को पलट के नहीं देखी, हरिओम शनि बोलते जा, बोलते समझ में आया क्या बोलते जाना है? हरिओम शनि। हाथ छोड़ो, ऐसा करो, इधर तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा बार कौन कौन है बोलो? तीसरा बार। नाम आपका? विवेक। वृष राशि? नहीं, अपना सिंह राशि है। सिंह राशि के प्रति हम चामर संभूतम पवन शनि श्रम, ऐसा करो। नाम? दीपक। पवन शनि श्रम टच करो माथे को, धागा लाने का टुकुरी पूरा भगवान को चढ़ा दे।
पुत्रं यमाग्रजं च आज कसम से दिन बहुत बहुत अपने खातिर सुखदायक है। हाँ।